नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। दिल्ली विधानसभा की तारीख, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। प्रचार प्रसार पर जोर हर पार्टी दे रही है, जनसभाएं हो रही हैं, जनता को अपने पक्ष में करने की हर कोशिश नेताजी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार में आतंकवादी आ गया। चुनाव में आतंकवादी शब्द आने से जहां एक ओर आतंकवाद को हवा दी गई, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी बोलने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। वहीं आज आमना सामना करने वाले हैं स्टूडियो में आम आदमी पार्टी से रमेश मोहन श्रीवास्तव जी और बीजेपी से हैं नेहा शालिनी दुआ जी। जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं, ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूँ, गिरफ्तार करके दिखाओ अरविंद केजरीवाल को। ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूँ, गिरफ्तार करके दिखाओ अरविंद केजरीवाल को। आतंकवादी हो इसके बहुत सबूत है, आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एक दूसरी पार्टियों पर सियासी वार भी तीखे हो चले हैं। लेकिन इस बीच प्रचार में मुद्दों से हट नेताजी ने आतंकवाद को केंद्र बिंदु बनाया। फिर क्या था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। दिल्ली के चुनाव में आतंकवाद की एंट्री ने इसे और हवा देने का काम किया है। पहले बीजेपी नेताओं की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया। केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। हमें तो सोचने पर मजबूर होता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से इस देश में लड़े, ये हमें सोचने पर मजबूर होता है। तो इधर एक तरफ केजरीवाल ने अपने कार्यकाल की बात की, साथ ही फैसला जनता को करने को कहा। मैंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों का बेटा बन के उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है। आज मैं ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं। उधर बीजेपी के हमले पर आम आदमी पार्टी ने करारा जवाब दिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर आतंकवादी हैं तो मोदी सरकार और उनकी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, गिरफ्तार करके दिखाओ अरविंद केजरीवाल को, जेल में डालो अगर आतंकवादी है अरविंद केजरीवाल तो। इधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताया। साथ ही जावड़ेकर ने कहा, आपने खुद ही इसके सबूत दिए हैं। अब एकदम मासूम चेहरा करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूँ, यही पूछ रहे हैं ना कि क्या मैं आतंकवादी हूँ। तो आतंकवादी हो इसके बहुत सबूत है, आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूँ। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता के असल मुद्दों से हट बात आतंकवाद पर हो चली है। आतंकवाद की चर्चा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो दिल्ली के दंगल में जहरीली बोली, पहले गोली और अब उसके बाद आतंकवादी भी आ गया। चुनाव का परिणाम क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार में जो ना हो वो कम है, शब्द ऐसे ऐसे निकल रहे तीर की तरह, आमना सामना करना तक मुश्किल हो रहा है। आम आदमी पार्टी से रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ तैयार हैं आमना सामना करने के लिए। सीधे सबसे पहले हम बीजेपी के पास जाते हैं। शालिनी दुआ जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, ये आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल जो दिल्ली के दंगल में हुआ है, ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, प्लीज। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो शाहीन बाग है इसे शुरू किसने करवाया, शाहीन बाग को पाला पोसा किसने, वहाँ पर बैठ के जो 50 दिन से लोगों का बिरयानी चल रही है, रहना खाना पीना शौचालय सब चीज़ों का अरेंजमेंट किया किसने,
तो जब कहते हैं ना कि आप बबूल को बोएंगे तो बबूल ही निकलेगा ना, आप बबूल को बो के आम तो नहीं कर सकते। तो यहाँ आज जो आम आदमी हम जैसे लोग हैं वो ठगा हुआ जो दिल्ली की जनता है वो महसूस कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने अपने आप को आम कह के ना बहुत ही गलत उदाहरण दिया है, क्योंकि वो आम नहीं है, वो स्पेशल है, खास बने हुए हैं और दिल्ली की जनता को लूट लूट कर खास बने हैं। आप देखिए केजरीवाल जी पंजाब में ठहरे थे, किसके घर ठहरे थे आप सभी जानते हैं, मीडिया जानती है कि वो किसके घर ठहरे थे, जिस वजह से उन्हें अपमान सहना पड़ा और पंजाब की जनता ने उन्हें बुरी तरह से वहां हरा के ये साबित कर दिया, सबूत दे दिया कि हम देशवासियों के साथ हैं, नेशन के साथ है, भारत के साथ हैं, या किसी ऐसे इंसान के साथ जो पाकिस्तान या ऐसे लोगों को फेवर या खालिस्तान ऐसी जगह को फेवर करता है। तो यहां मैं केजरीवाल जी को सीधा इसी बात के लिए घेरने के लिए यही प्रश्न करूंगी कि उनको जवाब पंजाब की जनता ने वहीं पर दे दिया था, यहां प्रकाश जी ने उनको ये नहीं कहा। सीधा जवाब दीजिए आप भी, आरोप प्रत्यारोप के दौर में आतंकवादी शब्द, अरे बिल्कुल साहब, बड़ा आसान है जवाब देना इसका तो जी। भाजपा की बौखलाहट अस्पष्ट हो गई है, उनको इस बात की आहट आनी शुरू हो गई है कि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। बताइए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 5 साल तक आपको पता नहीं चला कि वो आतंकवादी है, और हमने तो खुली चुनौती दे दी है कि आप कर लो गिरफ्तार, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप कर लो गिरफ्तार, एक बात। दूसरी बात, प्रकाश जावड़ेकर ये भी कह रहे थे एनार्किस्ट, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनार्किस्ट। मैं याद दिला दूं, गांधी जी भी अपने को सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनार्किस्ट कहते थे। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? व्यवस्था से लड़ने वाला व्यक्ति जो भविष्य निर्माण के बारे में सोचता है। हाँ, अरविंद केजरीवाल व्यवस्था से लड़ने वाले व्यक्ति हमेशा रहे हैं, भविष्य निर्माण के लिए सोचते हैं, तभी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, महिला सुरक्षा की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, जनहित के काम करने में लगे हुए हैं। भाजपा, आश्चर्य है मुझे, घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं भाजपा भी, लेकिन घोषणा पत्र पर बात करने को तैयार नहीं है। शालिनी दुआ जी जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा सवालों का। पिछली बार सामने की फटाफट, मैं फटाफट ही दे रही हूँ। गांधी जी को भला बुरा गालियां देने वाले शाहीन बाग के मंच पे शर्जिल इमाम जैसे इंसानों को फेवर कौन कर रहा है? शर्जिल इमाम की इतनी हिम्मत, इतनी औकात कैसे पड़ी कि वो वहां के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात कर रहा है? अनंत हेगड़े ने कहा कि गांधी जी का आंदोलन एक ड्रामा था। अनंत हेगड़े ने क्या कहा? गांधी जी को गाली दी, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? अनंत हेगड़े जो आपके सांसद हैं, उन्होंने जो कहा है भाजपा को मजबूर होकर के अपनी अनुशासन समिति को मामला भेजना पड़ा। गांधी जी का स्वतंत्र आंदोलन ड्रामा था। किसके घर ठहरे थे? भाजपा से पूछना चाहती हूँ, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, क्या गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन एक ड्रामा था? आप अपने सांसद की बात से सहमत हैं? मैडम, वो चुनाव हो गया, वो चुनाव हो गया, वो चुनाव हो गया, कोई बात नहीं। आप अनंत हेगड़े की बात कीजिए, अनंत हेगड़े जो आपके सांसद हैं, उन्होंने गांधी जी को बुरा भला कहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, इनके सांसद, देखिए शर्जिल इमाम को हमने फेवर नहीं किया, हमने साफ कहा, चुनौती दी गृह मंत्री को कि आप गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए, मुकदमा चलाइए, फांसी चलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप उस आंदोलन को पाल के अभी बैठे हुए। अब मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, क्या अनंत हेगड़े की बात सही है? गांधी जी के आंदोलन को आपने ड्रामा बताया, आपके सांसद ने, आप इससे सहमत हैं? हमारे जवानों से आप इससे सहमत हैं या नहीं है? देखिए, भाजपा फंस चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दों पे दिल्ली में बात करने की हालत में बिल्कुल ही नहीं है। फवाद चौधरी पाकिस्तान से ट्वीट करके कहता है कि मोदी को हराना है, केजरीवाल को जिताना है। अरे, हमने तुरंत जवाब दिया कि भारत के राजनीतिक मामलों में तुम हस्तक्षेप बंद करो। आप ये बताइए, जिससे पाकिस्तान नफरत, अच्छा आप ये बताइए, आपके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बिना इनवाइट के हुए पाकिस्तान में जाके बिरयानी क्यों खा करके आए? बिरयानी भाजपा के मुंह पे, भाजपा के हर सांसद के मुंह पे, हर कार्यकर्ता के मुंह पे तब से बिरयानी चढ़ी हुई है कि उनको पाकिस्तान की बिरयानी खाने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो परेशान है।
अरे आप भी जाइए पाकिस्तान, आपको भी बिरयानी मिल जाएगी। जब से इनके प्रधानमंत्री बिरयानी वहाँ फ्री में खा के आए हैं, तब से बिरयानी 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 इनके मुंह पे चढ़ा हुआ है। ये भारत की जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। अरे प्रधानमंत्री बिरयानी खाने गए थे, तब से आपके मुंह पे बिरयानी चढ़ा हुआ है। आपको फवाद चौधरी ने फेवर क्यों किया है सर, आप बताइए। सर आप ये बताइए कि वो प्रधानमंत्री जी क्यों बिरयानी खाने गए थे वहाँ पे, और क्यों आपके मुंह में तब से बिरयानी लगी हुई है। बिरयानी खा के उसके बाद उनके वहाँ जो सर्जिकल स्ट्राइक की उनकी ऐसी तैसी भी करी। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की। देखिए प्रधानमंत्री जी का बयान था कि सर्जिकल स्ट्राइक का हम राजनीतिक फायदा नहीं लेंगे क्योंकि सेना ने की है। तो अब भाजपा की प्रवक्ता को सर्जिकल स्ट्राइक की बात तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सेना के जवानों का किया गया काम था, सेना को आदेश दिया गया। सेना पर हमें भी गर्व है, सेना पर सबको गर्व होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, आप दिल्ली में आकर के क्या करने वाले हैं? आप दिल्ली में आकर क्या करने वाले हैं? आपने दिल्ली का माहौल बिगाड़ा है, इसके लिए आपको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की है। वो जो दो बार, एक बात बताइए, वो जो दो बार वहाँ शाहीन बाग में जाके गोलियां चला गया, वो किसका आदमी था? दो बार गोलियां चली, दो बार। और इनके मुख्यमंत्री आके कहते हैं कि भाई गोली से नहीं मानेगा तो गोली से मानेगा, तो अब आप गोली से मना रहे हैं। हम नौजवानों के हाथों में कलम दे रहे कलम, ये नौजवानों के हाथ में कट्टा दे रहे कट्टा। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। आप दे रहे नौजवानों के हाथों में, हम नहीं दे रहे, हमने शिक्षा दे रहे हैं, हमने स्वास्थ्य दे रहे हैं, हम उन्हें अच्छी अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं। नहीं तो घर क्या दिल्ली का शाहीन बाग बन जाएगा अगर आम आदमी पार्टी दोबारा आ जाएगी। तैयार है नहीं, ये दिल्ली के पढ़े लिखे लोग समझ चुके हैं। आतंकवाद बिरयानी कुछ शब्दों को आपने पकड़ लिया, बिरयानी आपने तो बनाई है, आपके पास बोलने के लिए है नहीं, बिरयानी तो आपने ही बनवाई है। प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने गए थे या नहीं गए थे? प्रधानमंत्री जी बिरयानी खा के आए कि नहीं खाए? शाहीन बाग आपने किया नाम हमारा है। शाहीन बाग अगर बिरयानी बन गई हो तो खा लीजिए फटाफट, और एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए। संजय सिंह ने कहा कि आतंकवादी आपने कह तो दिया जनाब, अगर आप मानते हैं आतंकवादी हैं तो गिरफ्तार करिए। अनार्किस्ट और आतंकवादी में बहुत फर्क होता है। जावेडकर साहब ने यही बोला कि ये अराजकतावादी है और वो खुद अपने आप को अराजकतावादी कोई फर्क नहीं होता है। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं होता, फर्क नहीं होता, उन्होंने ये कहा था। वो मैंने तो सुनिए ना भाई, मैंने लगाई फवाद चौधरी इनका फेवर क्यों कर रहा, क्यों कह रहा है कि भाजपा को हराना है? ठीक है, वो जवाब वो देंगे, वो जवाब वो देंगे। आप जवाब देना, हमें जवाब दे रहा हूँ, दीजिए जवाब, मैं दे रहा हूँ। लेकिन पहले आप ये बता दीजिए कि आप अरविंद जी को गिरफ्तार कब कर रही है, और फवाद चौधरी आपको फेवर क्यों कर रहा है? हमने तुरंत कहा, अरविंद जी ने तुरंत जवाब दिया है कि भाई तुम्हें भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम इसके बाद हमारे लिए या मोदी जी के लिए कुछ कहने की हालत में नहीं हो, हाथी के तुम नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो, पाकिस्तानी तुम यहाँ पे आंतरिक, आप गिरफ्तार करो ना, आप गिरफ्तार कीजिए। कब कर रही है, कब करवा रहे हैं आप, कब करवा रहे हैं गिरफ्तार, आप कब गिरफ्तार करवा रहे हैं जी को? दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने आतंकवादी बोला है। देखिए मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल पंजाब में किस आतंकवादी के घर ठहरे थे, ये जनता जानती है, जवाब दीजिए। इन्होंने अपनी चुनावी हार की जमीन तैयार कर ली है। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने हमें बदनसीब बोला था, नक्सली बोला था, दिल्ली की जनता ने 67 सीटें दी और अब इनके लोगों ने आतंकवादी शब्द से नवाजा है। दिल्ली की जनता फैसला कर लेगी। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये इनकी ऐसी बौखलाहट है, ऐसी बौखलाहट है, किसको लग गया कि जमीन खिसक गई है, एकदम जमीन खिसक चुकी है। अब निश्चित कर दिए शालिनी दुआ जी, इस बात का जवाब आप दे रहे हैं श्रीवास्तव साहब कि पंजाब में कहाँ ठहरे थे, आप दे रहे हैं जवाब तो ठीक है, आप जवाब दीजिए, स्वागत है जवाब का। अगर नहीं दे रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ाओ। आप गिरफ्तारी कब कर रही है बताइए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता जनाब, उसका बात बताइए कि क्यों आतंकवादी के साथ क्यों रहे थे। अरे तो आप गिरफ्तार करोगे, आपके पास पुलिस, आपके पास सीबीआई, आपने हमारे मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पे छापे मरवा दिए, आपको क्या मिला? हमने कुछ नहीं, 22 विधायकों के ऊपर फर्जी मुकदमे चलाए गए। इतना बताइए
कोर्ट से उन्हें फटकार नहीं, मुझे लगता नहीं यहाँ से आप लोग जवाब सवाल कर पा रहे हैं आगे को। मैं एक सवाल पूछता हूँ जी, शालिनी दुआजी, मैं एक सवाल पूछता हूँ। आज के इस दौर में जब हम एक चमकता भारत देख रहे हैं, चमकती दिल्ली भी हमें देखना है, और ऐसे में आपको नहीं लगता कि यहाँ सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और तमाम सारी ऐसी दिक्कतें आम जनता की होंगी जिन्हें हम आम जन के मुद्दे कहते हैं, उन मुद्दों से हटकर आतंकवाद पर चोट करना, आतंकवादी कहना, क्या इन सब चीजों पर काम ओके है दिल्ली में? देखिए फ्लाईओवर्स, मुझे मैं चलिए मुद्दे मुद्दे पाई है ना, ये सब ओके है? आपका मतलब ये है कि आतंकवादी से लड़ना है? दिल्ली में किसने बनाए, यहाँ किसने फ्लाईओवर के साथ साथ जितने स्कूल है, यूनिवर्सिटी, कोई एक भी स्कूल और यूनिवर्सिटी का नाम ये बता दे कि केजरीवाल जी ने बनाया। दूसरा मेरा एक और सवाल है, पहले वो सुन लीजिए, नौवीं कक्षा के छात्रों को फेल क्यों किया गया? आज तक दूसरे राज्यों में जब नौवीं छात्रों कोई फेल हो जाता है तो उसको दोबारा करने का मौका दिया जाता है, ये हर राज्य में होता है। दिल्ली की सरकार ने नौवीं कक्षा के छात्रों को सीधा एलिमिनेट किया, सीधा स्कूल से निकाल दिया। क्यों निकाला? तीसरा, क्यों साइंस सब्जेक्ट दिल्ली के स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से हटा दिया गया? क्या आपको लगता है केजरीवाल जी को कि यहां से साइंटिस्ट, सरकारी स्कूल से साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं निकल सकते, सिर्फ क्लर्क ही निकल सकते हैं? इसलिए उन्होंने ऐसा किया, क्यों साइंस हटाई है सरकारी स्कूलों से? जवाब दीजिए जी। अब यूनिवर्सिटी की बात सबसे पहले मैडम ने की है, नरेला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हो गई, जमीन ले ली गई, क्या मैडम को ये पता नहीं है? स्पोर्ट्स नहीं, जमीन ले ली गई है। देखिए मैडम, नहीं अब मैं आपको जब आंकड़े दे रहा हूँ, तो आप कृपया सुन लीजिए, आंकड़े दे रहा हूँ तो आप कृपया सुन लीजिए। अब आपने सरकारी दिल्ली की जनता को ये तो बताइए ना, कितने दिन पहले? ये कम से कम 6 महीने पहले हो चुका है मैडम, 6 महीने पहले, उससे पहले हमने हाथ बांध दिए थे, और देख रहे और आश्चर्य क्या है, और आश्चर्य क्या है, ये जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते। अगर जवाब सही है तो भी सुनने की हिम्मत नहीं रखते, और सवाल इनके जब गलत होते हैं तो ये आतंकवादी या अराजकतावादी शब्दों पे आ जाते हैं। अब आप स्कूलों की बात करिए, अरे उसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ, सरकार भी कई बार दे चुकी है, 3.5 साल तक आपने काम नहीं करने दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने, अरे हाथ तो सुप्रीम कोर्ट ने खोले, जब तक आपको अदालत की फटकार नहीं मिलती तब तक तो आप लोग किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं होते, बिल्कुल आपने नहीं करने दिया। और कल प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, यही लागू लाभ रहे हैं, तो बड़ा एहसान कर दिया। इसकी भी हकीकत आपको बता दूं, 2015 में दिल्ली कैबिनेट ने 2015 में दिल्ली कैबिनेट ने अनुसूचित कॉलोनियों को रेगुलर करने का प्रस्ताव आपके पास भेजा था, अब आपने जाकर के उसको स्वीकृति दी है, हमने जो काम 4 साल पहले कर दिया था उसको अब आपने जाकर के किया है। अब आपको स्टूडेंट की बात बता दूं, आप सुनने का धैर्य रखिए, आप सुनने का धैर्य रखिए, अब आपने स्कूलों की बात की, आपने स्कूलों की बात की, आप सुनिए, स्कूलों में छात्रों की संख्या पिछले 4 वर्ष में कितनी थी? ये देखिए सर, आपकी वेबसाइट पे है, केंद्र सरकार की वेबसाइट पे है, बच्चों को आपने सरकार की वेबसाइट पे है, हमने हमारे सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है, 96% रिजल्ट हुआ है, सबसे बढ़िया। श्रीवास्तव जी के स्कूलों का हाल देख लें, दोनों जगह इनका काम बिल्कुल जीरो है। बताइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के कितने छात्र हैं, नौवीं कक्षा को फेल करा, हटा दिया, ये बताइए दिल्ली के कितने छात्र हैं, ये दिल्ली को अलग देखते हैं, हम पूरे देश के छात्रों का स्वागत करते हैं, पूरे देश के छात्रों का दिल्ली विश्वविद्यालय स्वागत है, आप कहते नहीं दिल्ली के कितने हैं, अरे भाई दिल्ली में तो सारे देश के लोग। श्रीवास्तव जी लड़ाई तो इस पर होनी चाहिए थी ना, अच्छी बात है, जैसे लड़ाई आप आज मुद्दों की लड़ाई कर रहे हैं, आप सवाल जवाब पूछ रहे हैं, असल में यही होना चाहिए, यही होना मंचों चाहिए। से भी होना चाहिए, यही होना। फिर ये आतंकवादी क्यों, वो तो भाजपा से पूछिए आतंकवादी क्यों, हमने तो कह दिया आपके पास कोई भी सबूत है तो गिरफ्तार कीजिए, भाजपा जवाब दे, क्या सबूत है इनके पास, कोई सबूत नहीं है, ये मैंने तो देखिए मैंने तो डिबेट की शुरुआत में कह दिया, नहीं नेहा दुआ जी, अगर क्वेश्चन तो किया जाएगा ना, तेरा वो जानकर कैसे था तू आतंकवादी के घर क्यों रुकी,
मंत्री का कोई नहीं मुझसे पूछेगा, मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है। एक सवाल तो ये भी है कि तमाम जांच एजेंसियां जो सुरक्षा में एजेंसियां लगी हुई हैं मैडम, वो भी तो ये बात जानेंगी ना कि ये कहां रुके थे, क्यों रुके थे, अगर गलत था तो आतंकियों संपर्क है, ये तो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अगर ऐसा है इसीलिए शुरुआत में कह दिया बिल्कुल जांच करवा चुके हैं और आप करवा लीजिए, बिल्कुल आप करवा लीजिए, चार साल से सो रहे थे, होएगी चार साल से सो रहे थे आप, अरे धमकी किसको दे रहे हैं आप, चार साल से सो रहे थे, आपने सीबीआई का छापा मुख्यमंत्री कार्यालय पे डलवाया, आपने दिल्ली पुलिस का छापा मुख्यमंत्री के घर पे डलवाया, सबके जो आप कर सकते थे वो आपने कर लिया। देखिए दिल्ली के लोग भी जानते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल का जरा सा भी दोष होता तो भारतीय जनता पार्टी तक जेल में डाल चुकी होती। 22 मुकदमे, सीबीआई का छापा, दिल्ली पुलिस का छापा, सारे छापे डलवा लिए आपने, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन मुख्यमंत्री का कुछ बिगड़ना नहीं था। चलिए चलिए आतंकवादी शब्द के बीच श्रीवास्तव जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिक्र किया शाहीन बाग का, लेकिन शाहीन बाग में बहुत दिनों से हम भी देख रहे हैं कि लोग जमे हुए हैं, हट नहीं रहे हैं जी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए शर्जील, अच्छा चलिए आपसे क्वेश्चन है, ठीक है बताइए बताइए। एक केंद्रीय कानून बना, ठीक है उसके, मैं बता रहा हूँ वो जो सीए के मुद्दे पर ही है ना, वहां पे एक केंद्रीय कानून बना, हमें उसका विरोध करना था, लोकसभा में भी किया, राज्यसभा में भी किया जी। कानून का विरोध जिस कानून सम्मत तरीके से होना चाहिए उस कानून सम्मत तरीके से हमने किया, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब हर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। अब मैं आता हूं शाहीन बाग पे। शाहीन बाग का जो आंदोलन है वो कानून और व्यवस्था की समस्या है, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है। अच्छा। वो क्यों नहीं हटाते वहां जाकर के, जो भी वहां पे सड़क जाम करके बैठे हुए हैं उनको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? और इनके मंत्री रविशंकर जी ने, आप रविशंकर जी की बात सुन लीजिए जरा, रविशंकर प्रसाद जी ने कल कहा था कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन कोई गया बात करने? कोई भी नहीं गया बात करने, ये इनका ड्रामा है। एक बार कहते बात करेंगे और फिर जाते नहीं बात करने। आप देना श्रीवास्तव जी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, आप देखिएगा आप तारीख को हटा देंगे। तो मैं दिल्ली वासियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि केंद्र को वापस यहां पर भाजपा को ले आइए, आपको सब कुछ मिलेगा। दिल्ली से बात करेंगे, दिल्ली वासी फेसबुक पे बात करेंगे, जमीन पे नहीं जाएंगे बात करने। जिस दिन भाजपा यहां आ गई तो जाके बात कर क्या को हर कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें ब्लेम किया जाता है कि केंद्र कुछ नहीं करता, केंद्र कुछ नहीं करता, आज लोकसभा में क्या हुआ? आप दिल्ली में हमारी सरकार आने दीजिए, बोला है फिर देखिए, फिर हम आपको दिखा देंगे। कोई इरादा नहीं है, नहीं है, इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार लोकसभा में बोल रही है? किस बात का? इनके मंत्री कह रहे बात करेंगे, लेकिन जाने दे बात करने, जाइए सुनवाइए, बात कीजिए, आपकी जिम्मेदारी गलत क्या है बताइए, समस्या को खड़ा किया है, आप जाके बात कीजिए, समस्या खड़े किया आप ही वो करिए ना, हमारे हाथ में कानून व्यवस्था होती आप दिल्ली पुलिस दे दो हमारे हाथ में, हम करवा देंगे। बताइए आपने खड़ा किया है, सिर्फ इतना बताइए सीएम में गलत क्या? आपने बताइए, आपने जानबूझ के, ये आइडिया ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, ये सर्वधर्म संभाव के विरुद्ध है। सर्वधर्म संभाव के विरुद्ध है, आखिर उसमें एक समुदाय विशेष को, एक समुदाय विशेष को आपने मना कर दिया, इसी के विरुद्ध आंदोलन है वो, मुसलमानों को संविधान में कहा, आखिर फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं, आखिर आप जान के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखा आप शाली हो जी, एक सवाल और है मेरा, आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। चलिए मोहन, एक 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 सवाल है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है, ये है केजरीवाल, आप ये बनाना है चाहते जो हिंदुओं के अगेंस्ट है ये पार्टी, आप यही बनाना चाहते हैं, हिंदुओं के अगेंस्ट है जी। एक सवाल का जवाब तो बनता है, दर्शक भी ये जानना चाह रहा होगा और आम आदमी पार्टी भी जानना चाह रही है कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं उनको हटाने के लिए कोशिशें कितनी की गई, उनको समझाने की कोशिशें कितनी की गई, क्या आप मानती हैं कि सरकार केंद्र सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से आपकी कोशिशें हुई हैं उनको समझाने की? क्योंकि सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर, एनपीआर को लेकर, जागरूक करने को लेकर बीजेपी घर घर तक पहुंची है, तो शाहीन बाग क्यों नहीं? शाहीन बाग पहुंचे ना, जब आप देखिए मीडिया के कुछ लोग जी न्यूज से वहां एंकर पहुंचते हैं, कुछ होता है तो उनको कैसे धक्के मार के, चप्पलें मार के निकाला जाता है। आप लोग इस डर से नहीं गए, तो बात तो वही है ना कि आप
आपको अगर केंद्र सरकार पे ये लोग ब्लेम करते हैं, मैं तो इतना कहूंगी कि दिल्ली में फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने का क्या फायदा अगर आपने हर चीज केंद्र को ही ब्लेम करनी है। फिर तो मैं दिल्ली वासियों से ही कहूंगी कि हमें ही आने दीजिए, केंद्र सरकार जिस दिन दिल्ली में आ गई तो उनके सारे इन लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे, तब ये नहीं कहेंगे ये तो केंद्र के हाथ में, ये तो केंद्र के हाथ में सब केंद्र ने करना है, तो आप आए क्या करने हैं दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये बहुत आसान चीज हो जाती है ना बचना, कि आपने कह दिया केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार ने कह दिया कि दिल्ली सरकार के अधीन, और लोगों की दिक्कतें सॉल्व नहीं होती हैं, लोगों की दिक्कतें सॉल्व नहीं होती हैं, समय का अभाव मेरे पास है। शालिनी दुआ जी, माफी चाहता हूं, आगे आपको अनुमति नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश मोहन श्रीवास्तव जी और नेहा शालिनी दुआ जी चर्चा करने के लिए और बहस करने के लिए किस तरीके से दिल्ली के दंगल में आतंकवादी शब्द की एंट्री हो गई। हालांकि जब 8 तारीख को वोट डलेगा उसके बाद नतीजे आएंगे, नतीजे साफ कर देंगे कि कौन किस पर कितना भारी है, लेकिन तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और ये कहना पड़ेगा कि मुद्दों से लेना देना नहीं है किसी को, बस चर्चा में रहना ही मकसद है। इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।